हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। और आज 2 फरवरी 2019 है। आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पर, हमारी यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। साथ में एमपीपीएससी प्री के लिए क्रैश कोर्स, एमपीपीएससी प्री 2019 की टेस्ट सीरीज और एसआई के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये सब हमारी वेबसाइट पर देख पाएंगे। साथ ही एमपीपीएससी 2018 के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, जारी हो गई है लिस्ट और बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ही परीक्षा के लिए नया नोटिफिकेशन 2019 का आ जाएगा। तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री ने कहा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन किया गया है दांडी में। वहीं दूसरा प्रश्न, सरकार ने पीएचडी वाले छात्रों की फेलोशिप की राशि बढ़ाकर 25,000 से कितनी कर दी है, तो इसको कर दिया गया है 31,000। वहीं तीसरा प्रश्न है कि एनसीसी महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। वहीं चौथा प्रश्न है कि 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली एनसीआर में। वहीं पांचवा प्रश्न, संसद का बजट सत्र कब से कब तक चलेगा, तो ये शुरू होगा 31 जनवरी से जो 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं सातवां छठवां प्रश्न है कि सऊदी अरब और किस देश ने मिलकर संयुक्त डिजिटल करेंसी अबेर लॉन्च की है और इसको लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर। वहीं सातवां प्रश्न है कि किसे यूपीएससी के 10वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और ये बनाए गए हैं राजीव नयन चौबे। वहीं आठवां प्रश्न है कि किसे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा 4था कार्नोट पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है पीयूष गोयल को। वहीं नवा प्रश्न है कि मालदीव में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं संजय सुधीर। वहीं दसवां प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और लाइक करना ना भूलिए। पहला प्रश्न कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे और जो सीमांत कृषक हैं उनकी मदद के लिए किस योजना की घोषणा की है और इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राइट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लोकसभा में करीब 27,84 करोड़ रुपए का वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट, याद रखिएगा ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है, ये पेश किया गया और पेश करते हुए जो वित्त मंत्री का प्रभार जिनके पास है पीयूष गोयल जी, उन्होंने छोटे किसान और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे सीमांत कृषकों को उनकी मदद के लिए काफी सारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की है। अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी शुरुआत की जाएगी। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष इसमें सहायता राशि सीधे सीधे किसानों को दी जाएगी, 2,000 रुपए के तिमाही पर। राइट, और कब से लागू किया जाएगा, तो पिछले साल 1 दिसंबर से 2018 से इसको लागू कर दिया गया है। किनको लाभ मिलेगा, 2 हेक्टेयर तक का जो किसान होगा उसको लाभ मिलेगा। 2 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में 2.4710 एकड़ होता है, लगभग 5 एकड़ तक के किसानों को इसमें जो लाभ दिया जाएगा। 3 किस्तों में 6,000 रुपए यानी 2,000 रुपए हर किस्त में दिए जाएंगे और 12 करोड़ जो किसान होंगे लगभग उनको इससे फायदा होगा और 75,000 करोड़ रुपए का इसमें जो है भार आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 2 प्रकार की चल रही है, ग्रामीण और शहरी। तो शहरी के अंतर्गत कितने नए मकानों को मंजूरी दी गई है और इसके तहत 4,78,670 नए मकानों को मंजूरी दी गई है, इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसने शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,78,670 किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है और इसके अंतर्गत अब कुल जो स्वीकृत मकानों की संख्या हो गई है 72,65,663 हो गई है योजना की शुरुआत से अब तक। अच्छा, इस बारे में आपको और भी पता होना चाहिए, आज प्रश्न में भी मैंने आपसे ये पूछा है। छठवां प्रश्न है कि रक्षा खरीद परिषद ने कितने रुपए की 6 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी गई है 40,000 करोड़ रुपए से। 40,000 करोड़ रुपए से 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, इनकी डिटेल देखिए क्या है।
तो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो कि अध्यक्ष भी है रक्षा खरीद परिषद की, और बैठक हुई उसमें 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 जो स्वदेशी पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये स्वीकृति प्रदान की गई है मेक इन इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य। इसके अंदर क्या किया जाएगा, रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत दूसरे देशों से इसमें रणनीतिक साझेदारी की जाएगी, वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और उसके बाद इसमें जो है निर्माण किया जाएगा, और ये दूसरी बड़ी परियोजना है इस मॉडल के तहत, मेक इन इंडिया मॉडल के तहत। इसके अलावा इस परिषद ने सेना के लिए 5,000 टैंक रोधी गाइडेड मिलाइन मिसाइल जो है उनको खरीद को भी मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ जो इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने किन समुदायों के लिए पैनल गठित किया है, तो ये जो पैनल गठित किया जाएगा वो किया जाएगा खानाबदोश जो समुदाय होते हैं उनके लिए। क्यों किया जाएगा, इसकी डिटेल क्या है वो देखिए कि नीति आयोग ने कहा है कि उन अन अधिसूचित यानी ऐसे समुदाय जिनको अधिसूचित नहीं किया गया है, सूची में नहीं डाला गया है, खानाबदोश अर्ध खानाबदोश समुदायों की पहचान की जाएगी और उनके लिए पहचान करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिन्हें औपचारिक रूप से अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है, कहीं भी लिस्ट में नहीं डाला है। सरकार इन समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक विकास बोर्ड का भी गठन करेगी, कल्याण विकास बोर्ड इसके तहत गठित किया जाएगा। बात इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने आवंटन में वृद्धि का भी प्रस्ताव दिया है। अब बात करेंगे हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि पांचवा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री 11 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं 1 दिन की यात्रा पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी डिटेल देखिए क्या है, तो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये 11 फरवरी को 1 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं, और इससे पहले वो जनवरी 2018 में भारत आए थे, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में तेल अवीव की यात्रा की थी, और विशेष ये है कि किसी यहूदी राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश की यानी कि इसराइल की यात्रा की थी। बात करेंगे इसराइल की, तो इसराइल की राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है, और मुद्रा है इसराइली नई शेकेल। चलिए मैप में मैं अब आपको इसराइल लिए चलता हूं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर इसराइल आपको जाना है तो आप मूव कीजिए पश्चिम की तरफ। जैसे आप पश्चिम में मूव करेंगे तो यहां पर आपको जो ये देश दिखाई दे रहा है जो कि मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से लगा हुआ है पिंक कलर का, ये देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है इसराइल, राइट। और यहां पर उसकी बगल में एक और देश आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम फिलिस्तीन है, इनके पास में डेड सी यानी कि मृत सागर है और इसकी राजधानी है जेरूसलेम। देखिए फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जेरूसलेम पर अधिकार को लेकर लगातार संघर्ष चलता है, वर्तमान में जेरूसलेम जो है इसराइल के कब्जे में है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक और हिस्सा है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है जिसको गाजा पट्टी कहा जाता है, लगातार संघर्ष इन दोनों देशों के बीच में होता रहता है। इन दोनों देशों को अभी तक भी मान्यता नहीं दी गई है, ना ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो ये भी आप इनके बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है सातवां प्रश्न, छठवां प्रश्न कि सरकार ने किस आय सीमा तक टैक्स में, टैक्स जो होता है आयकर जो होता है उसमें छूट प्रदान की है, और सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 5 लाख तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो सरकार ने बताया है कि 5 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय होगी उन व्यक्तियों को, करदाताओं को किसी भी प्रकार का आयकर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही अगर वो 1.5 लाख रुपए तक का अगर जो बजट बचत योजनाएं होती हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उस हिसाब से 6.5 लाख तक की सकल आय वाले लोगों को भी जो निवेश है उसमें कोई कर नहीं देना पड़ेगा, उसमें भी टैक्स से उनको छूट मिलेगी। साथ में आयकर रिटर्न जो होगा वो 24 घंटे में संसाधित किया जाएगा, यानी आप जमा करेंगे उसके बाद वो 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा और प्रतिदाय शुरू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां कि जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापार जारी रखने के लिए एक नया भुगतान चैनल बनाने का घोषणा की है, और इसका नाम है इंस टैक्स, और ये की गई है ईरान के लिए। सी ऑप्शन सही, अभी आपको पता है कि ये सब देश और अमेरिका, इसके साथ परमाणु संधि हुई थी जिसने अमेरिका ने खुद को अलग कर दिया, तो अब बचा कौन है, ईरान और बाकी देश, तो उन्होंने क्योंकि
अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है ईरान के ऊपर, तो उन सब चीजों को लेकर ये चीजें हुई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने का फैसला किया है, और अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक नया भुगतान चैनल प्रारंभ किया है जिसका नाम है इंस टैक्स। और इसके अलावा पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ व्यापार जारी रख सकेगा, ये इसमें विशेष है। बात करेंगे इन सब देशों की जिनका नाम इस वीडियो में ऐसा में आया है कि पहले बात जर्मनी की, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ की चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल, मुद्रा यूरो है और 1 यूरो के अंदर लगभग 85 इंडियन रुपीज होते हैं। वहीं दूसरा देश है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है, राष्ट्रपति यहाँ के इमानुएल मैक्रोन है और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है और 1 यूरो में 85 ही अपडेट कर लीजिएगा, 85 लगभग इंडियन रुपीस होते हैं। ये जो होता है फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट। जो अगला है ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री यहाँ की थेरेसा मे है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और एक ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग में लगभग 90 इंडियन रुपीज होते हैं। वहीं ईरान की बात करें तो राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है, मुद्रा यहाँ की ईरानियन रियल और 1 इंडियन रुपीज में 623 लगभग ईरानियन रियल होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको सारे देशों की तरफ लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से ईरान जाना है तो आप मूव करेंगे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में आपको ये देश दिखाई दे रहा है, ये है ईरान जो कि ब्लू कलर में है। ईरान में भारत ने यहां पर एक बंदरगाह भी विकसित किया है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, और इससे हमें अफगानिस्तान तक एक्सेस मिलेगा। इसकी राजधानी आप देख लीजिए, ये तेहरान है। अब उन यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे क्योंकि ईरान एशियन कंट्री है, तो जिन्हें इसमें शामिल हुए हैं वो तीन कंट्री कौन कौन सी है, तो वो तीन कंट्री देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी यहाँ पर कौन सी है, जिसकी राजधानी है लंदन। उसके बाद बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी देखिए यहाँ पर है, जर्मनी जिसकी राजधानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बर्लिन जिसकी राजधानी है। वहीं तीसरा जो देश है वो है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी देखिए यहाँ पर, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राइट। तो ये तीनों देश पास में ही स्थित है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आठवां कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, और यह घोषित किया गया है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, 1869 में सबसे पहले प्रकाशित की गई थी, और उसको उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 में घोषणा की है। आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने डिजाइन किया था, ओके। और इस वर्ष मेंडेलीव द्वारा आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ है, और इसीलिए जो है इसको आवर्त सारणी दिवस के रूप में, वर्ष के रूप में, अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के फैसला किया है संयुक्त राष्ट्र ने। बात संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना होती 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अगला प्रश्न जो कि नवा प्रश्न है कि 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है। 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है, तो 20वें भारत रंग महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो भारत रंग महोत्सव के 20वें सत्र का राष्ट्रीय राजधानी में उद्घाटन किया गया, और आयोजक जो रहा इसका वार्षिक आयोजक जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उसकी तरफ से इसको आयोजन किया जाता है, और NSD भारत सरकार का, यानी कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वो भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके तहत एक स्वायत्त संस्थान है, यानी इसके पास अपने फैसले लेने की खुद क्षमता है। अगला प्रश्न है दसवां कि विश्व की 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो भारत के लिए गौरव का क्षण है, ये बन गई है मिताली राज। बी ऑप्शन सही है, मिताली राज। इनकी डिटेल देखिए क्या है। तो भारत की महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। इन्होंने भारतीय महिला और न्यूजीलैंड के बीच में जो
सीरीज का तीसरा मैच और आखिरी मैच था हैमिल्टन के अंदर, उसमें जैसे ही खेला गया और इसमें जब मिताली राज खेलने के लिए उतरी तो उन्होंने इतिहास रच दिया और उनने वनडे करियर का 200वां जो है वनडे उन्होंने खेला और इस आंकड़े तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर वो बन गई। इसके अलावा बतौर कप्तान 123वां मैच उनका था, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो ये भी आप इनके बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इस योजना का नाम क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल दी है शिवम पौराणिक ने। इन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना नाम है, सौभाग्य योजना, ये शुरू की गई है 25 सितंबर 2017 को और चलेगी 31 मार्च 2019 को समाप्त होगी और इसके साथ 2019 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाना लक्ष्य है और इसका लाभ मिलेगा भारत के निर्धन वर्ग को। अब आज का प्रश्न कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक भारत के प्रत्येक परिवार को, ये परिवार है, को आवास उपलब्ध करवाया जाने का फैसला किया गया है, तो इसके बारे में और इस योजना के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। आज का वीडियो करेंगे हम यहीं समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जाइए इस वेबसाइट पे और डाउनलोड कर लीजिए आज की पीडीएफ को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।